बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है, सॉल्व फॉर एक्स सच दैट 2x + 9 + x = 13। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं, पहले हम नोट कर लेते हैं इस इक्वेशन को। क्या है, 2x + 9, √2x + 9 + x = 13। देखिए ये हमारी इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें रूट हटाना है। रूट हटाना है तो हम पहले एक्स को इधर ले जाएंगे, क्योंकि रूट हटाने का एकमात्र तरीका है स्क्वायर। पहले एक्स को इधर ले जाके फिर स्क्वायर करते हैं। तो ये हो गया 2x + 9 = 13। प्लस का एक्स इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर स्क्वायर करने पर, ठीक है, दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √2x + 9, इसका होल स्क्वायर = 13 - x, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 2x + 9 = यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें ओपन करना पड़ेगा। देखिए ए स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, और -2ab मतलब -2 × 13 × x, ठीक है। 2x + 9 = 13 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 169, प्लस एक्स स्क्वायर -13 × 26x, ठीक है। अब क्या करते हैं, या इस साइड को इधर लेके आते हैं, इस साइड को पूरी को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 9 - 169 - x² + 26x = इधर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं का मतलब 0। इसको सीरियल से लगा लेते हैं, -x² पहले नंबर पे, 26x ये और 2x ये, कितना होगा 28x। 169 में से 9 माइनस होंगे, -160 = 0, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया x² - 28x और +160 = 0। -0 में जाके 0 हो गया, तो ये हो गया x² - 28x और +160 = 0। देखिए 160 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिन्हें प्लस करके 28 आना चाहिए, बहुत सिंपल है। 160 हमें पता है, 28 जा कितने होते हैं 160, तो 20 + 8, तो इसको स्प्लिट कर लेंगे तो ये हो गया x² - 28 को लिख लिया 20 + 8, बाहर x + 160 = 0, x² - 20x - +8x + 160 = 0। एक पैर ये दो पैर बन गए। पहले पैर में से x कॉमन लिया तो कितना बचा, x - 20, यहाँ से माइनस का 8 कॉमन लिया तो x - 20। अब x - 20 दोनों जगह से कॉमन लिया तो x - 20 जब हमने कॉमन लिया तो हमारा आ गया x - 8 = 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं साइड से, इफ़ x - 20 = 0 तो x = कितना आ गया, 20, एक आंसर आ गया। इफ़ दूसरे वाले को लेते हैं x - 8 = 0 तो x = 8, ये हमारे दोनों सॉल्यूशन आ गए। तो आपको ये आंसर कैसा लगा, इसी तरह के आंसर के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।